चलिए आगे बढ़े, आज की एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। रामलला का इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। फिर 29 जनवरी को राम मंदिर मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन संवैधानिक बेंच के जस्टिस SA बोबड़े उस दिन मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई है। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिस के जरिए दी है। इससे पहले जस्टिस UU ललित के इस मामले से अलग होने के बाद सुनवाई टल गई थी, जिसे 29 जनवरी तक के लिए स्थगित किया गया था। 25 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नई संवैधानिक बेंच का गठन किया, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया। अब अगर संविधान पीठ के सभी जज बुधवार या गुरुवार को मौजूद रहेंगे तो इसी हफ्ते सुनवाई शुरू हो सकती है। वहीं कोर्ट में राम मंदिर मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुवाद का मामला अब भी फंसा हुआ है। ऐसे में अगर अनुवाद का काम पूरा नहीं हुआ तो एक बार फिर सुनवाई टल सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ होना है, किस मामले पर सुनवाई होनी है, जरा आप वो समझ लीजिए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने का फैसला किया गया। फैसले के खिलाफ सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। हिंदू संगठनों का दावा है कि राम का जन्म ठीक बाबरी मस्जिद वाली जगह पर हुआ था। दावा ये भी है कि मुगल काल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक का ये मामला 1949 से ही चला आ रहा है। एक बार फिर से राम मंदिर पर सुनवाई टलने से संत समाज और हिंदू संगठन में नाराजगी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और अयोध्या मामले के पक्षकार महंत धर्मदास का आरोप है कि जानबूझकर राम मंदिर को लटकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब तारीख पे तारीख तारीख, या तो दो कारण है, या साधु महात्मा बना हुआ है या अध्यादेश लगा हुआ है। कानून के हिसाब से कोर्ट दोषी है कि जो इतना दिन से केस लटकाया है। हालांकि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या पर राजनीति नहीं करने की बात कही है। सभी देशवासियों से निवेदन है कि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठाएं। निश्चित तौर पर अतिशीघ्र सुनवाई चालू होगी। ये राजनीति में लोग इसको लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी काम में कोई बाधा डालने का कोई अख्तियार नहीं है। सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारा काउंटडाउन चल रहा है, 69 दिन उसमें दिखा रहे हैं हम, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे तमाम मुद्दों पर राजनीति होगी, सियासत होगी, तो रामलला पर तो होनी है। इधर सुनवाई टली तो उधर देखिए सियासत कैसे गर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख टल रही है। ऐसे में यूपी के बहराइच में बड़े बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा कि जानबूझकर देरी हो रही है। फैसला पक्ष में आया तो खुद राम मंदिर बन जाएगा, पक्ष में नहीं आया तो अध्यादेश लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर निगेटिव आता है, विपरीत आता है, तो कानून बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पक्ष में आता है तो कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून ही बन जाएगा, मंदिर बनेगा। बीजेपी का ये भी कहना है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ऐसे में अब देरी नहीं होनी चाहिए। एक इंतहा हो गई है इंतजार की, और सब चाहते हैं कि कम से कम अब सुनवाई फास्ट ट्रैक तरीके से हो। वही कांग्रेस ने कहा है कि अयोध्या मामले पर राजनीति ना हो। जब एक वरिष्ठ जज नहीं है, अस्वस्थ है, उसकी वजह से जब बेंच ही 5 की नहीं रहेगी, 4 हो जाएगी, मेरे ख्याल इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तारीख बढ़ाई होगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।